दोस्तों, अगर आप भाई रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर कल यानी 24 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। दरअसल रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करते हुए टीम को जीत दिलाई थी, जिसके बाद भारतीय टीम की कमान उनके हाथों में चली गई है। और दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी है और अब रोहित शर्मा की ये नई टीम इंडिया की किसी भी टीम को कुचलने का मादा रखती है। रोहित शर्मा ने अपनी टीम में किसे जगह दी है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन कप्तान है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम में जब भी कप्तानी की बात होती है हमेशा क्रिकेट फैंस कप्तान कोहली की तुलना रोहित शर्मा से करने लग जाते हैं। दोस्तों, T20 क्रिकेट में रोहित एक शानदार लीडर और कप्तान है। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 IPL खिताब दिलाकर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है और इसी वजह से टीम इंडिया में उनके कप्तान बनाए जाने को लेकर बातचीत होती रहती है। और इस T20 वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट फैंस ने विराट की जगह रोहित शर्मा को कप्तानी दिए जाने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए दूसरे अभ्यास मुकाबले में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा ने टीम की बागडोर संभाली थी। 70 रनों की कप्तानी पारी खेल भारतीय टीम को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई थी। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने अपने दोनों अभ्यास मुकाबले जीत कर धमाकेदार शुरुआत की है, लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी है क्योंकि भारतीय टीम 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में आर्च राइवल्स पाकिस्तान से भिड़ेगी और यहीं से टीम इंडिया का वर्ल्ड कप अभियान शुरू होगा। और इस मैच के लिए टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कोहली की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी है। दोस्तों, बता दें कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महा मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चुन ली है। दोस्तों, रोहित शर्मा KL राहुल के साथ सलामी बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, वहीं मध्यक्रम को कप्तान कोहली, सूर्य कुमार यादव और विकेट कीपर ऋषभ पंत को जगह दिया जाएगा। वहीं छठे और सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, जबकि स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ भुवनेश्वर कुमार की पेस बैटरी पाकिस्तान को पछाड़ने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि आर अश्विन को अभ्यास मैचों में किए गए प्रदर्शन का इनाम मिलेगा और वो भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने की क्षमता रखती है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।